आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि राजस्थान चुनाव से मात्र 8 महीना पहले भाजपा को क्यों बनाना पड़ा सीपी जोशी को अपना प्रदेश अध्यक्ष। सबसे पहली कारण सतीश पूनिया। सतीश पूनिया भाजपा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष पिछले 3 वर्षों से थे, इनफैक्ट 3 वर्षों से कुछ अधिक समय से। उनका और वसुंधरा राजे सिंधिया जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, अपने आप को इस बार भी मुख्यमंत्री का दावेदार कहती हैं और प्रॉबेबली भाजपा राजस्थान की सबसे बड़ी चेहरा है, उनमें गुटबाजी थी, उनमें डिस्प्यूट था और ये डिस्प्यूट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही थी। और चुनाव के से ठीक पहले भाजपा भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान चाहती थी कि ये जो डिस्प्यूट है ये डिस्प्यूट का समाधान हो, लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है। सतीश पूनिया के रिश्ते सिर्फ वसुंधरा राजे सिंधिया से खराब है ऐसा नहीं है, सतीश पूनिया के रिश्ते और भी काफी राजस्थान के भाजपा नेता से खराब हो गए थे, काफी विधायकों से उनके रिश्ते बिगड़ गए थे, काफी टॉल लीडर्स जो राजस्थान के बड़े नेता हैं भाजपा के उनसे उनके रिश्ता में खटास थी। और इसका एक मुख्य कारण बोला जाता है वो है सतीश पूनिया का अखरपन। आप सभी को पता है सतीश पूनिया जाट समुदाय से आते थे, जाट समुदाय एक किसानी वर्ग है, एक किसानी जाति है और किसानी जाति में जो भी किसानी जात होते हैं उनमें एक अखरपन होता है, उनमें एक बिना लाज लपेट की बात बोल देने की आदत होती है, एक अलग तरह का अग्रेशन होता है। और बहुत मुमकिन है कि इसी अग्रेशन की वजह से सतीश पूनिया को बदलना पड़ा। जनरली चुनाव से इतना पास भारतीय जनता पार्टी ऐसा कदम नहीं उठाती है, अवॉइड करती है कि इतने बड़े राज्य के प्रदेश अध्यक्ष को बदला जा सके, बट यहां पे उन्होंने ये कदम लिया। तो पहला कारण था सतीश पूनिया। दूसरा कारण वसुंधरा राजे सिंधिया। जैसा मैंने आपको बताया वसुंधरा राजे सिंधिया अनडाउटेबली राजस्थान भाजपा की सबसे बड़ी चेहरा है, सबसे कद्दावर चेहरा है, कई बार कई मर्तबा मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, आज भी उतना वसुंधरा राजे सिंधिया जितना बड़ा मास लीडर राजस्थान में भाजपा के लिए खोजना मुश्किल है। भैरव सिंह शेखावत के बाद टॉलेस्ट मास लीडर आप बोल सकते हैं। आज भी जो भीड़ जुटाने की कैपेसिटी है जो एक मास लीडर की होती है वो जितनी वसुंधरा राजे सिंधिया में है दूसरे नेता में नहीं है। वो राजपूत समाज से आती है, राजपूत समुदाय से आती है जो राजस्थान में एक निर्णायक भूमिका में है, जो सत्ता जो सरकार तय करने के लिए हमेशा निर्णायक होता है। पर आप सबको ये भी पता होगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया की दिल्ली भाजपा दिल्ली हाईकमान से बनती नहीं है, 36 की आंकड़ा है, चाहे वो मोदी जी हो चाहे वो अमित शाह, इन दोनों से वसुंधरा राजे की बहुत अच्छी रिश्ता नहीं है, रिश्ते में खटास है। दिल्ली हाईकमान मतलब मोदी शाह जेपी नड्डा और उनकी टीम नहीं चाहती है कि वसुंधरा राजे राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा बने, राजस्थान में फिर से मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान बदलाव चाहती है राजस्थान में, पर वसुंधरा राजे सिंधिया को शंट कर पाना भी इतना आसान नहीं है। क्यों? कि एक लंबा अनुभव है, 2-3 दशक का अनुभव है, जैसे मैंने बताया कई मर्तबा मुख्यमंत्री रही हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके विधायक हैं और कहीं ना कहीं वो लड़ भी रही हैं। अभी आप लोगों को पता होगा होली के ठीक पहले उन्होंने एक बड़ा अपना जन्मदिन पे रैली किया, सम्मेलन किया, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग आए, बहुत विधायक बहुत मंत्री पहुंचे, भारी संख्या जुटी, एक तरह से उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया सालासर बालाजी में। तो वो भी अपना ताकत दिखाते रहती है और उनके रिश्ते सतीश पूनिया से बहुत खराब थे, ये हम सभी को पता है। मगर दिल्ली हाईकमान भाजपा की हाईकमान ये नहीं चाहती थी, भले ये चाहती थी कि वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया की दूरियां खत्म हो, मगर वो वसुंधरा राजे को भी एक फ्री वे राजस्थान में नहीं देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने ट्रस्टवर्दी सीपी जोशी को बैठाया, जिससे वसुंधरा राजे का जो सतीश पूनिया के खिलाफ गुस्सा था, जो अनबन थी, उसको एक कॉम्प्रोमाइज करने का भी फॉर्मूला है, पर साथ साथ
ऐसा प्रदेश अध्यक्ष दिया जो दिल्ली से चल पाएगा, जो मोदी अमित शाह नड्डा जी की बात मान पाएगा, ना कि वसुंधरा राजे की हुकुम लेगा। तो एक बैलेंसिंग एक्ट कि वसुंधरा राजे को थोड़ा प्लीज भी कर रहा सतीश पुनिया को हटा के, बट उनको इंपावर भी नहीं कर रहा वसुंधरा राजे के मन का प्रदेश अध्यक्ष देके, इसलिए सीपी जोशी को बनाया गया है जो ये बैलेंस बरकरार रख पाए। तीसरा प्रमुख कारण सीपी जोशी को बनाने का वो है उनकी जाति ब्राह्मण। राजस्थान भाजपा में कोई भी ब्राह्मण किसी भी मुख्य पद पे नहीं है। केंद्र में राजस्थान से जितने भी मंत्री हैं, राजस्थान भाजपा के केंद्र में भाजपा के जितने भी पदाधिकारी हैं, या प्रदेश में भी जो संरचना है उसमें ब्राह्मण, राजस्थानी ब्राह्मण की रिप्रेजेंटेशन न के बराबर है, कोई भी की पोजीशन पे नहीं। और भाजपा चुनाव से पहले ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी, वो अपनी जातिगत समीकरण, जातिगत संतुलन बैठाना चाहती है, इसलिए उन्होंने उसने एक ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष दिया है, सो दैट कि ब्राह्मणों को साधा जा सके, ब्राह्मणों को नाराज कराने से बचा जा सके। इसके साथ साथ जो भी ब्राह्मण होते हैं वो बोली में बहुत सौम्य होते हैं, शालीन होते हैं, टोल नाप के बोलते हैं, चीजों को, खराब चीजों को भी अच्छे से बोल देने की काबिलियत होती है। तो इसका लाभ भी सीपी जोशी को बहुत मिलेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि राजस्थान भाजपा एक डिवाइडेड ग्रुप है, उसमें वसुंधरा के गुट को भी साधना है, भाजपा के जो नॉन गुट, जो किसी गुट में नहीं उनको भी साधना है, सतीश पुनिया के गुट को भी साधना है। तो ऐसे व्यक्ति जो सौम्य हैं, जो सबको साथ लेकर चल सकते हैं, जिनका बहुत जो सबको कोई भी बात बोला तो प्यार से बोल सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को इसलिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, इसलिए सीपी जोशी का नाम आया है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण, सीपी जोशी जमीनी कार्यकर्ता है। जमीनी कार्यकर्ता का मतलब यह है कि वो जिला परिषद का चुनाव जीते हुए हैं, वो भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए हैं, वो अभी जो सतीश पुनिया की टीम थी, जब सतीश पुनिया प्रदेश अध्यक्ष थे तो वो प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, तो उन्होंने एक जर्नी ट्रेवल की है एज अ कार्यकर्ता, एक जिला परिषद सदस्य से लेकर एक प्रदेश अध्यक्ष तक। तो एक आम कार्यकर्ता है जो इस पोजीशन में पहुंचे हैं, तो उनको एक व्यापक अनुभव है हर लेवल के कार्यकर्ताओं के पोजीशन का, उनको यह अनुभव है कि हर लेवल का कार्यकर्ता क्या सोचता है, कैसे सोचता है, वो कैसे खुश रह सकता है, ये उनको एक बहुत बड़ा अनुभव है। और ये अनुभव का उनको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे गुटों को साथ लेकर चलना है, उसको उनको ये इंश्योर करना है कि छोटा से छोटा कार्यकर्ता खुश रहे, छोटा से छोटा कार्यकर्ता काम करता रहे, मिडिल लेवल का जो कार्यकर्ता है वो खुश रहे, वो काम करते रहे, जिला लेवल का कार्यकर्ता काम करता रहे, प्रदेश लेवल का कार्यकर्ता काम करता रहे। तो उनका जो ये अनुभव है, ये अनुभव का उनको बहुत लाभ होगा, क्योंकि वो खुद ये पद पर रहे हुए हैं तो उनकी मानसिकता को जानते हैं। तो ये चौथा महत्वपूर्ण कारण है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, वो एक खुद मास लीडर है, चित्तौड़गढ़ से सांसद है, एक बड़े वोट से जीते हैं चित्तौड़गढ़ में, साथ में साथ उनके पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ठप्पा है, वो आरएसएस के आदमी माने जाते हैं, वो आरएसएस के कार्यकर्ता माने जाते हैं, जिस वजह से उनको संगठन या आरएसएस की जो अनुसंगी इकाई है उनका और भाजपा के साथ तालमेल में बहुत आसानी होगी, और ये तालमेल का फायदा भाजपा को आने वाले चुनाव में मिलेगा। और आखिरी एवं सबसे महत्वपूर्ण कारण, उनपे अमित शाह, नरेंद्र मोदी भरोसा करते हैं। आज के दिन में भाजपा में यदि राजनीति में सफल होना है तो टॉप टू जो बोलते हैं मोदी शाह की जोड़ी का भरोसा आप पे होना ही होना चाहिए, और सीपी जोशी के पास मोदी और अमित शाह दोनों का भरोसा है। आपने देखा होगा कि प्रदेश अध्यक्ष बनते ही उन्होंने मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की थी, लंबी मुलाकात हुई, फोटो भी शेयर हुई। इसका मतलब ये साफ दिखता है कि ये जो प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति है ये स्टैंप मात्र है, इसकी असली रिमोट प्रधानमंत्री कार्यालय में होगी, प्रधानमंत्री जी के पास होगी, अमित शाह जी के पास होगी, ये दिल्ली से चलेगी, और जब तक ये दिल्ली से चलते रहे तब तक सीपी जोशी का भी जो
राजनीतिक सफर है वो बुलंदियों पर है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।